यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। और अगर आप भूतिया कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। भूतिया तालाब 1975 की यह घटना राजस्थान में स्थित जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव की है। जब गांव में एक तांत्रिक साधु का रूप लेकर रहने आया था, तब गांव वालों ने सोचा कि हमारे गांव में न तो कोई साधु है और न ही कोई पुजारी, इसलिए गांव वालों ने उस साधु को रहने की अनुमति दे दी और उस साधु के रहने के लिए गांव में स्थित तालाब के किनारे पर एक कुटिया बना दी गई, जिसमें वह साधु रहने लगा। दिन बीतने के साथ वह साधु धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा और हर अमावस्या की रात को गांव के एक बच्चे की बलि देकर काली शक्तियां हासिल करने लगा। जब हर अमावस्या की काली रात को गांव से बच्चे गायब होने लगे तो गांव वाले बहुत परेशान होने लगे और एक दिन गांव वालों ने फैसला किया कि अगली अमावस्या को हम गांव में आने वाले हर एक रास्ते पर छुप कर रहेंगे। जैसे ही अगली अमावस्या की रात आई तो गांव वाले रात को छुप कर तैयार हो गए और जब गांव वालों को यह पता चला कि उनके गांव में रहने वाला साधु तांत्रिक है और वो ही हर अमावस्या की रात को गांव के बच्चों की बलि देता है, तो गांव वालों ने उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया। जलते वक्त उस तांत्रिक ने गांव वालों को कहा कि मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद भी तुम लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से उस गांव के तालाब में आज तक हर अमावस्या की रात को उस तांत्रिक की आत्मा भटकती रहती है और कई बार तो गांव के लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। अगर आप कुछ ऐसी ही भूतिया कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।